औरत क्या होती है? एक पुरुष औरत के बारे में अपनी क्या धारणा रखता है, जानते हैं दोस्तों इस कहानी से। पति ने अपने बिस्तर पर नींद आ जाने से पहले अपने पास सोई हुई अपनी पत्नी के चेहरे को गौर से देखा। उसकी प्यारी सी नरम और नाजुक शक्ल को काफी देर तक निहारता रहा। फिर उसने अपने आप से कहा कि कितनी महान होती है ये महिलाएं भी। बरसों अपने माँ बाप की मोहब्बत के साए के तले और घर वालों के साथ पलती बढ़ती हैं और फिर एक अनजान शख्स के साथ आकर यहाँ पर सोई हुई है। पत्नी ने अपने घर बार, माँ बाप और उनके प्यार को छोड़कर एक अनजान शख्स की खातिर उसने सब कुछ त्याग दिया। वह अपने पति की दिल से सेवा करती है, उसका दिल बहलाती है, उसे राहत और सुकून देती है ताकि बस उसका भगवान उससे खुश हो जाए। वह यह सब इसलिए करती है क्योंकि यह उसके संस्कारों का हुक्म है। फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया, कैसे होते हैं कुछ लोग जो बेचारी और बहरहमी से अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं, बल्कि कुछ तो धक्के देकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें अपने माँ बाप के घर वापस भेज देते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो पत्नियों को अपने घर में डालकर दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं, होटल में जाकर खाते पीते हैं, जिसका उनकी पत्नी घर में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कैसे होते हैं कुछ लोग जिनके पास बाहर उठने बैठने का वक्त है परंतु उनके अपने बीवी बच्चों के पास बैठने का वक्त नहीं होता। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपने घर को अपनी पत्नी के लिए जेल बनाकर रखते हैं, ना उन्हें कभी बाहर ले जाते हैं, ना ही उनके पास बैठकर दिल का हाल सुनते और सुनाते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी बीवियों की ऐसी हालत में सुला देते हैं कि उसके दिल में किसी चीज़ की तड़फ और चुभन होती रहती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और उनका गला किसी कहर से दबा जा रहा होता है, वो अंदर ही अंदर घुटती रहते हैं। कैसे होते हैं कुछ लोग जो अपनी राहत और बेहतरीन के लिए घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, पीछे मुड़कर अपने बीवी बच्चों की खबर तक नहीं लेते कि उनके बाहर रहने के अरसे से उन पर क्या गुजरती होगी। कैसे होते होंगे कुछ लोग जो अपनी ऐसी जिम्मेदारी से भाग लेते हैं और भाग जाते हैं, जिसके के बारे में कयामत के रोज उनसे पूछताछ होगी। जिस दिन भगवान उनसे पूछेगा तब क्या होगा? अपनी माँ और पत्नी को बेपनाह इज्जत दीजिए, क्योंकि एक ने तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। हमारी आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपने अनमोल विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी हो और दिलचस्प मर्मस्पर्शी मार्मिक और प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।